आई होप सब लोग रिवाइज कर लिया होगा वो, ठीक है। उसके बेसिस पे हमारे आज क्वेश्चन हम लोग और आगे देखेंगे। देखो क्वेश्चन का लेवल टफ है, नो डाउट, लेकिन जिसको कंसेप्ट पिछले वाले समझ में आ गए उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं। सवाल क्या देखो आप, ये ब्लॉक के मास इसका है 2 kg, ये मास है 1 kg, ये मास है एंगल 37 degree, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg एंड 1 kg। हम लोग कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को भले इस क्वेश्चन में अभी 15 से 20 मिनट लग जाए, तुम लोग एकदम इत्मीनान से पूछना, धीरे धीरे जाऊंगा मैं, ठीक है। एक सम भी तुमको अगर समझ में अच्छे से आ जाता है ना, इस कंसेप्ट को सीखे तुम इस तरह के 50 सवाल कर सकते, ठीक है। कोई जरूरी नहीं तुम्हारे IIT में यही सवाल आएगा, ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तुम्हें कंसेप्ट आना चाहिए। अब यहाँ पे हम इसको देखिएगा ध्यान से, तो हमसे पूछा जाएगा कि इसका बताओ, इसमें हम लोग को एक्सेलरेशन क्या होगा, ए का 1 kg का और 2 kg का एक्सेलरेशन बताना। तो एक्सेलरेशन बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, FBD बना के इक्वेशंस लिखने पड़ते हैं। सबसे पहला देखो, हम अगर FBD बनाते हैं ये वाले ब्लॉक का, छोटे वाले ब्लॉक का, तो इसका एबीडी कुछ ऐसा बनेगा। छोटे वाले ब्लॉक के लिए क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, एक टेंशन लगेगा, एक टेंशन इधर लगेगा, ये एंगल 37 degree होगा, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, ये एंगल अगर 37 होगा, इधर से ये भी 37 होगा, ये भी 37 degree हो जाएगा, है ना। कैसे देखो, अगर ऐसे खींचते हम लोग, ये 37, ये 37, तो ऑल्टरनेट एंगल किस 37, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन जो है ना, एक बार क्लियर, लेट से एज्यूम कर लेते हैं, लेट 2 kg हैज एक्सेलरेशन ए, ठीक है, और लेट 1 kg has acceleration b with respect to 2 kg,
कि इसको ग्राउंड से एनालाइज करना मुश्किल है, बिकॉज ये नीचे भी जा रहा है और ये पीछे भी जा रहा है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, अगर हम 2 kg पे चींटी बन करके बैठेंगे तो हम बोल सकते हैं कि नहीं ये खाली नीचे जा रहा है ना। याद करो मैंने कंस्ट्रेंट में ये वाला करवाया भी था, तो इसका ए हो गया 2 kg का और बी 1 kg का कितना हो गया, बी हो गया। और क्या क्या फोर्सेस लग रहे देखो तो इसके ऊपर बड़े वाले पे, छोटा वाला ब्लॉक इस पे लगा रहा होगा नॉर्मल फोर्स एन, ठीक है। और ये नॉर्मल फोर्स का अगर हम देखें ध्यान से, ये 37 degree अगर होगा ना, ये वाला एंगल पे कितना हो जाएगा, ये 37 अगर होगा तो ये भी 37 ऑल्टरनेट एंगल्स, ये एंगल मिला हो जाएगा 53 degree, ठीक है। ये कितना हो गया एन और एंगल हो गया 53 degree। अच्छा उसके बाद और कोई फोर्स लग रहा है, एक तो इसके ऊपर कैपिटल एम भी लगेगा और एक ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स, वो दोनों तो वर्टिकल मोशन को बैलेंस कर देगा, उसको लिखने की जरूरत अपने को यहाँ पे इतनी नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे फोर्सेस किस पे हो गए, ब्लॉक के ऊपर हो, क्या मैं इसका एक्स लिख सकता हूं कि, और ये किधर मूव करेगा, ये मूव करेगा ए के साथ इधर, और छोटा वाला कैसा मूव करेगा, बी के साथ मूव करेगा विथ रेस्पेक्ट टू 2 kg। अगर ये इधर मूव करे एक्सेलरेशन ए के साथ, तो क्या तुम यहाँ पे इसका इक्वेशन लिख सकते हो फोर्सेस देख करके, जरा ट्राई करो लिखने की, उससे ट्राई करो। मैंने तुम्हें सारे फोर्सेस दिखा दिए है, इसके अलावा कोई भी फोर्स नहीं है यहाँ पे, ट्राई करो 2 मिनट फिर मैं लिखता हूँ। एवरीवन ट्राई, फिर यू हैव टू चेक कि तुमने सही लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पे सारे फोर्सेस को लिखो कंपोनेंट, बच्चे कभी कभी ये टेंशन को ना मतलब भूल जाते हैं, यहाँ पे टेंशन इधर भी लगेगा, स्ट्रिंग इधर भी है, स्ट्रिंग इधर भी है, तो टेंशन देखो दोनों तरफ लगेगा, ठीक है। बच्चे ये वाला पार्ट भूल जाते हैं, प्लस एन, ठीक है। ए कौन लिखेगा वहां पे, ये इक्विलिब्रियम में थोड़ी ना, वो ए भी तो लिखना होगा ना। टी काफी तक तुम्हारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। टी माइनस टी कॉस 37 ओके का सही है, टी माइनस ये टी इधर गया कॉस 37 इधर गया, फिर इधर और क्या जाएगा, इधर हमने लिया है, इधर अगर मैं ले लेता हूँ पॉजिटिव, ठीक है, लेफ्ट को पॉजिटिव ले लेते हैं, टी माइनस टी कॉस 37 प्लस एन कॉस 53 इक्वल टू 2 into A। चेक करो, किसी को कोई परेशानी तो पूछो इसमें, टी प्लस टी प्लस एन कॉस 53, ठीक है, माइनस टी कॉस 37 इक्वल टू एम ए। आई होप सबको ये इक्वेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते। अब मुझे यहाँ पर देखना होगा, मैंने एक इक्वेशन देखो, अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि जैसे कि ये वाला ब्लॉक पे नीचे भी फोर्स लगेगा mg और ऊपर लगेगा नॉर्मल, लेकिन वो पता वो इक्वेशन हमारे कुछ काम का नहीं है, इसलिए हम उसको लिख नहीं रहे। लिखने को तो हम वो भी लिखते, लेकिन क्यों उसको, हम जब कोई चीज बेकार है काम की नहीं है तो क्यों लिखे उसको। अब पहला इक्वेशन ये हो गया,
है तो कितने अननोन है, एक अननोन, दो अननोन, तीन अननोन, ठीक है। अब अगर मैं लिखता हूं छोटे वाले ब्लॉक के लिए, छोटे वाले ब्लॉक के लिए अगर मैं लिखूं, ये सवाल अगर आएगा ना जेई में 10 मार्क का सवाल है, छोटे वाले ब्लॉक का अगर मैं लिखूं तो ये नॉर्मल फोर्स एन ऐसा लगेगा, टेंशन टी किधर लगेगा, ऐसा लगेगा, ठीक है। और क्या क्या फोर्सेस लग रहे, देखो तो टेंशन टी इधर लगा, नॉर्मल लगा, टेंशन टी लगा। मैं चीटी बन करके यहां बैठा हूं एक्सेलरेटेड फ्रेम, तो मैं इसके ऊपर क्या अप्लाई करूंगा, एक सुडो फोर्स की अप्लाई करूंगा। मास इनटू एक्सेलरेशन ए, एम इनटू ए, ठीक है। और क्या लगेगा इसके ऊपर, एक एमजी फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। मास कितना है, 1 kg, दैट इज 10 न्यूटन हो जाएगा। टेंशन लगा दिया, नॉर्मल फोर्स लगा दिया, सुडो फोर्स लगा दिया, एमजी लगा दिया, ठीक है। और तो भाई कोई फोर्स बचा नहीं, और कोई फोर्स लगा तो बचा हुआ, एक मिनट, हाँ सॉरी, वेरी गुड, सही बोला था, सुडो फोर्स डायरेक्शन अपोजिट हो, और तो कुछ ही बचाना अपने पास। एक बात देखो यहाँ पे, ये वाला छोटा वाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, मैं कौन से फ्रेम पर हूं, मैं तो चीटी वाले फ्रेम पर हूं, तो छोटे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, ए होगा, बी होगा, या ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू द न्यू फ्रेम। ऑब्वियसली बात है बी होगा, कि मैं इस फ्रेम पे बैठा हूं तो इसके रेस्पेक्ट में, इसका हॉरिजॉन्टल तो इसके रेस्पेक्ट में कुछ होगा ही नहीं। अब मैं यहां पे क्या क्या इक्वेशन ले सकता हूं, ये अगर एंगल मेरा 37 डिग्री है, ये 37 हो जाएगा, ये भी 37 हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा, ये मेरा हो गया m into a, that is 1 into a, pseudo force। अच्छा देखो तो, पर normal to surface ये block तो कहीं move करेगा नहीं, ना धसेगा ना निकलेगा। अगर normal to the plane ना ये निकलेगा ना ये धसेगा, तो मैं बोल सकता हूँ normal to the plane इस पे net force 0 हो जाएगा। अगर net force 0 को normal to the plane, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, n ऊपर लगा, एन यहां पे लगा, प्लस ए कॉस 53, कॉस 53 इज 3/5, और ये लगा देखो यहां पे, ये 10 है एमजी का, एंड दिस एंगल इज इजली कैन बी कैलकुलेटेड एज, देखो तो ये 37 अगर होता तो ये 53 होता तो ये 37 हो जाता। बार बार करते आ रहे हम लोग ये चीज, से देखो तो नीचे कितना लग जाएगा, माइनस 10 cos 37, cos 37 इज 4/5, इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा, n प्लस 3/5, हाँ एक इक्वेशन उधर से भी आएगा, सही बोले, देखते हो उसको भी लोग कहते समर्थ इक्वल टू 40/5, दैट इज 8, एन प्लस 3/5 इक्वल टू 8, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन हो गया, जो कि मैंने लिए नॉर्मल टू द सरफेस। सबको इक्वेशन समझ में आया कि नहीं आया, देखो ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। दो इक्वेशन हमारे बन चुके हुए,
अननोन कितने थे वहां पे? तीन अननोन थे, अभी भी सिर्फ दो ही क्वेश्चन है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के लिए। देखो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन मैं क्या ले सकता हूं, टी ऊपर लग रहा है, ए कॉस 37 नीचे लगा, टी ऊपर लगा, टी को पॉजिटिव ले लिया, माइनस ए कॉस 37। अच्छा और टेन कॉस 37 टेन साइन 37 माइनस 10 साइन 37। अगर मैं इसको ले लेता हूं नीचे एक्सेलरेशन कितना होगा इसका? बी हो जाएगा। तो नीचे को पॉजिटिव ले लो, ऊपर को नेगेटिव ले लो, इक्वल टू एम ए। एम कितना? 1 है, इंटू बी, बी हो जाएगा। ये हमारा बन जाएगा तीसरा इक्वेशन। ये आ जाएगा मेरा 6 + 4a/5 माइनस थ्री। ये हमारा बन गया तीसरा इक्वेशन। कोई समझने में दिक्कत हो पूछो इसको। यहां पर देखो चार अननोन हो चुके हुए हैं, ठीक है। तुम अगर देखो इसका ये हमारे एग्जाम में अगर आईआईटी में सवाल अगर आते हैं ना तो एडवांस में भी पता ऐसा सवाल तो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ इससे छोटे छोटे पार्ट पूछे जा सकते हैं। तुमको इक्वेशन फ्रेम करने आना चाहिए कि इक्वेशन कैसे कैसे फ्रेम किया जा रहा है। ध्यान से देखो इक्वेशन फ्रेम करना, किसी को कोई भी परेशानी हो तो पूछो। और लास्ट एक इक्वेशन इससे बनेगा, ए इक्वल टू बी। ये हमारा कंस्ट्रेंट है जो मैंने तुम लोगों को सिखाया था, उसको जाके रिवाइज कर लो एक बार पेपर से। ये चार इक्वेशन बन जाएंगे, ये चारों को सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या कितने अननोन कितने? देखो एक अननोन, दो अननोन, तीन अननोन और ये चार अननोन चौथा। चार एक दो तीन चार अन्न, इसको चार इक्वेशन चार अन्न, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। जहां पहले तो आप जहां पर ए है वहां भी पुट कर देंगे, ठीक है। फिर इसको लेकर के एक ए वाले से लेकर के टी को एलिमिनेट करेंगे, फिर एन को एलिमिनेट करेंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है इक्वेशन सॉल्व करना। हालांकि हमको इक्वेशन सॉल्व करने की इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं है, हमें मेन कॉन्सेप्ट सीखने का इम्पोर्टेंस। अगर हमारे सामने ऐसे सवाल अगर आते हैं, इसका अगर इजी वर्जन भी आता है तो क्या हम उस पूरे कॉन्सेप्ट को यूज करके उस इक्वेशन को फ्रेम कर सकते हैं? क्लियर। तो आज के लिए इतना काफी है। ये सवाल तुम लोग अच्छे से घर पे बैठ करके देखो। आंसर देखना पड़ेगा रचित, मैंने आंसर खुद निकाला नहीं इसका। एक बार मुझे सॉल्व करके भेज देना ना, मैं चेक कर दूंगा एक बार, ठीक है। क्लियर। तुम्हारे नीट पे तो पता है खाली इतना पूछ लेना बहुत बड़ा सा। मैं बताऊं नीट में खाली अगर यही पूछ लेना कि ये एक्सेलरेशन बी के साथ जा रहा है, ये ए के साथ जा रहा है, तो बताओ इनका रिलेशन क्या होगा? ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। यही नीट के लिए हाई लेवल क्वेश्चन हो जाएगा और ये तो पूरा का पूरा एडवांस का चला जाता है, ठीक है। ऐसा
फिर भी सॉल्व करो ठीक है। और मैं ना तुम लोग को कुछ क्वेश्चंस और ऐसे भेज दूंगा, वो ट्राई करना ठीक है। और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा मैंने तुम लोग को समझा दिया है, आगे तुम लोग बैठ करके प्रैक्टिस करते चले जाओ ठीक है। हम लोग इसका रिविजन क्वेश्चन लेते चले जाएंगे, कल हम लोग सेंटर ऑफ मास स्टार्ट कर देंगे और हम लोग पैरेलल फ्रिक्शन चैप्टर स्टार्ट करते रहेंगे ठीक है। आज के लिए काफी इतना ठीक है, बाय, कल फिर मिलेंगे ठीक है।